दोस्तों आज डेट है 21 अगस्त यकम मुहर्रम अल हराम। मैं एक हफ्ते से निजी मसरूफियत की वजह से अहम इश्यूज पर बात नहीं कर सका। आज की वीडियो में हम तमाम इश्यूज पर तफसीली बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ की नई वायरल हुई तस्वीर की। हाँ, यही है वो साहिब जो 40 साल पर्चियां थामे पाकिस्तान के सर सवार रहे और जब कौम को जवाब देने का वक्त आया तो 100 बीमारियां बताकर लंदन की काफी शॉप्स के सर पर सवार हो गए। जज साहबान नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी इमरान खान से मांग रहे थे। वो पिछले 9 माह से हॉस्पिटल के अलावा हर जगह तफरी में मगन है। जज साहबान किधर हैं आप लोग, आंखें खोलें। ये मरीज हॉस्पिटल्स की बजाय होटल्स के चक्कर लगाता रहता है। दोस्तों नदीम अफजल चंद ने तो बात ही खत्म कर दी। कहते हैं कि ये नवाज शरीफ की तस्वीर का वायरल होना पाकिस्तान के निजाम अदल को उंगल देने वाली बात है। जरा सुने फिर तो ये तस्वीर आपको लगता है ये दो निजाम है? मुझे दो निजाम लगते हैं। अदालती निजाम पर आपका ख्याल है कि उनका मजाक उड़ाना हमारे निजाम अदल को ये उंगल देने वाली बात है? दोस्तों दूसरे नंबर पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने अपनी गलतियां तस्लीम भी की और बड़े बेबाकी से अपने विजन को भी डिफाइन किया। जो भी कोई मुल्क करे, हमारा तो मौकफ बड़ा क्लियर है और हमारा मौकफ कायद आजम मोहम्मद अली जिना ने 1947 में क्लियर कर दिया था, 1948 में, कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फलस्तीनों को उनका हक नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। जो टू नेशन थियोरी थी पैलेस्टीनियन की कि उनको पूरा एक उनकी स्टेट मिले जो कि पैलेस्टीनियन फैसला करें, ठीक है, जब तक वो नहीं होता, अगर हम वो तस्लीम कर लेते हैं तो हमें फिर कश्मीर का भी, हमें एग्जैक्टली सिचुएशन कश्मीर का है तो हमें वो भी गिव अप करना जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इसराइल को। और दूसरी तरफ 3 बार वजीर आजम रह चुकने वाले इंटरव्यू के दौरान पर्ची गुम हो जाने का यादगार मंजर मुलहजा कीजिए। हजूर पैसे आप जला दें, इंतजाम आप कर दें, वफाकी हुकूमत से आप कहें। असिफ इकबाल साहब प्लीज डोंट इंटरफेयर, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू इंसिस्ट ऑन दिस, प्लीज डोंट डू दिस। मैं उस तरफ आ रहा था, दिस इज योर पार्टी चीफ, मैं उस तरफ आ रहा था। आई एम वेरी दोस्तों अपोजिशन बिलखसूस मौलाना फजल रहमान जो इमरान खान पर इल्जाम लगाते थे कि यहूदी एजेंट है और इमरान खान जवाबी वार करते हुए कहते थे कि तुम्हारे होते हुए यहूदियों को एजेंट की क्या जरूरत है, तो अब इमरान खान ने तो इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। लेकिन मौलाना साहेब को जैसे सांप सूंघ गया हो और खुफिया तौर पर इसराइल की सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ साहेब के सर पर भी इसराइल सवार है। जरा नवाज शरीफ की छतरी और इसराइल के झंडे में फर्क तलाश कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।